पश्चिम बंगाल में कल दूसरे दौर का मतदान है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद हिंसा जारी है। कल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अशोक डिंडा पर मोयना में हमला हो गया। डिंडा मोयना से ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो प्रचार के बाद घर लौट रहे थे और तृणमूल कांग्रेस का रोड शो चल रहा था। डिंडा के मुताबिक तृणमूल समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और लाठी डंडों और ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईंट से किए गए हमले से डिंडा को कंधे पर चोट आई जबकि उनकी गाड़ी के शीशे भी चूर चूर हो गए। डिंडा ने कहा कि जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले और जान बचाई। डिंडा के साथ मौजूद उनका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे मोयना अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा नंदीग्राम से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुपम, देखिए, अब चुनाव तो मतदान तो कल होना है लेकिन उससे पहले जिस तरह की घटना और तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई चिंता पैदा करती हैं। अशोक डिंडा को लेकर क्या अपडेट है और दूसरी खबर ये कि ममता बैनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ गई और इसका प्रभाव आप क्या जमीन पर देख रहे हैं अनुपम? जी मीनाक्षी, देखिए, इस बार दूसरे चरण से पहले जिस तरह छिटपुट हिंसा घटनाएं शुरू हुई हैं वो वाकई चिंताजनक होती जा रही हैं। अशोक डिंडा पर कल हमला हुआ, इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में भी छिटपुट हिंसा की घटना हुई है, मिदनापुर में भी छिटपुट हिंसा की घटना खबर आ रही है। तो ये वाकई चिंताजनक है क्योंकि वोट के दिन, अगर वोट से पहले वाले दिन इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं तो चुनाव वाले दिन काफ़ी ज़्यादा आशंका रहती है। तो काफ़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेज को तैनात किया गया है, उपाय किया जा रहा है किसी भी तरह इस हिंसा को रोका जाए। जो रक्त चरित्र है बंगाल का उसको किसी भी तरह रोकने की कोशिश है लेकिन आशंका तो बरकरार है। और दूसरी ओर ममता बनर्जी ने जो अपना गोत्र बताया है उसके पीछे का जो अंक है, सियासी हिसाब किताब है, वो ये है कि नंदीग्राम की जो सीट है यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं लगभग 26% के आसपास, इसके अलावा बहुसंख्यक हिंदू वोटर हैं। तो अल्पसंख्यक वोटर तो ममता के पक्ष में है लेकिन जो बहुसंख्यक वोटर हैं उनमें से बहुत लोग हिंदू वोटर हैं जो बीजेपी के शुभेंदु के पक्ष में है। और आप देखी होंगी लगातार ममता मंच से मंत्रोच्चार कर रही हैं तो उसका एकमात्र मकसद है हिंदू वोटर्स को तोड़ना, उनको अपने पक्ष में करना। तो ममता बनर्जी का अपना गोत्र बताना इसी की एक कड़ी है और वो कोशिश कर रही हैं कि हिंदू वोटर्स अगर डिवाइड हो पाएं, अपने और खींच पाएं तो इसमें उनको ही फायदा होगा और वो ज्यादा मार्जिन से जीत पाएंगी, यही कोशिश है ममता बनर्जी की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।